अखाड़ा की आज शुरुआत करेंगे कोल्हापुर में। औरंगजेब पर मचे बवाल से महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। औरंगजेब का विवादास्पद व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर ये प्रदर्शन हुआ था। हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद करने का ऐलान भी किया था। एक दिन पहले कोल्हापुर में एक व्हाट्सएप स्टेटस प्रचलित हुआ था, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की तिथि पर और उसके बाद कुछ ऐसी बातें निकल के आईं, जहां औरंगजेब के बारे में बात की गई, जहां औरंगजेब को बड़ा करके बताया गया। दूसरी बात अगर आप कहें तो औरंगाबाद के बाद अब कोल्हापुर ये दूसरा शहर हो चुका है जहां औरंगजेब की के बारे में बात और छत्रपति शिवाजी महाराज को और हिंदू समाज को झुकाने की बात सामने आई है। AIMIM के कुछ काडर मौजूद थे औरंगाबाद में, जिन्होंने औरंगजेब के पोस्टर निकाले थे। लेकिन आज यहां पर ये बवाल आप देख रहे हैं, जहां पुलिस और प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा। कोल्हापुर में बवाल हो गया है। देखिए, जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं सड़क पर, और अगर आप स्क्रीन के बाईं तरफ ध्यान देंगे तो एक गाड़ी को तो उलट दिया गया है, गाड़ी को उलट दिया गया है। हिंदू समाज के कई सारे संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन की बात की, लेकिन ये प्रदर्शन थोड़ा हिंसक रूप लेने लगा। भीड़ भारी तादाद में आने लगी, और भीड़ को काबू करने के लिए और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज का भी प्रयोग करना पड़ा है। ये देखिए, कोल्हापुर में जोर से जमकर लाठियां बरसाते हुए पुलिस प्रदर्शनकारियों पर। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके भावनाओं को ठेस पहुंची है, आहत हुए हैं, इसीलिए उनको ये प्रदर्शन निकालना पड़ा, इस प्रदर्शन का ऐलान करना पड़ा। व्हाट्सएप पर कुछ ऐसे चैट्स घूम रहे थे, कुछ ऐसे स्टेटस थे जहां पर लोगों ने औरंगजेब का बढ़ा चढ़ाकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान की तुलना करते हुए ऐसी पोस्ट की गई और ऐसे स्टेटस शेयर किए गए, जिसकी वजह से हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर में कहा कि वो इसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहेंगे, और उन्होंने प्रदर्शन निकाला। अब कोल्हापुर, जो अमूमन शांत रहता है, काफ़ी शांतिप्रिय शहर है, और वहाँ पर इस तरीके का बवाल काफ़ी नहीं निकलता, लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर यहाँ पर 1 या 2 केसेस लव जिहाद के निकल के आए हैं। और अब ये बहुत बड़ा बवाल जो आप देख रहे हैं कोल्हापुर में मच रहा है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ठीक बीच में आप देखें, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हिंदू संगठन के द्वारा धरना किया जा रहा है, जहां सिट डाउन प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, सड़क के बीचों बीच बैठकर धरना प्रदर्शन। पुलिस का भारी बंदोबस्त, वहां पर RAF और CRPF की टुकड़ियां भी दिख रही हैं, और साथ ही रायट पुलिस तैयारी के साथ खड़ी हुई दिख रही है। और इसके बाद जैसे जैसे इस संगठन में भाषण कहा जा रहा है, धीरे धीरे भड़काऊ होने लगे, और वहाँ पर जो मौजूद भीड़ है वो थोड़ी उग्र हो गई, बेकाबू हो गई, और एक गाड़ी को पलट दिया। इधर उधर लाठी चार्ज की वजह से अफरा तफरी भी दिख रही है, कई सारी वहाँ पर वाहनों को भी नुकसान दिख रहा है, पूरी सड़क पर जूते चप्पल बिखरे हुए दिख रहे हैं। जब लोग इधर उधर भाग रहे हैं पुलिस की लाठी का डर, और जिसकी वजह से भगदड़ भी मच गई। भीड़ जब घूम के भागती है, और उस तरफ एक तरफ भगदड़ है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कुछ गाड़ियां पलटी हैं। ये शहर के बीचों बीच का इलाका है, मार्केट एरिया है कोल्हापुर का। आइए आपको दिखाते हैं औरंगजेब पर विवादास्पद स्टेटस लगाने को लेकर आज कैसे प्रदर्शन हुआ है, और फिर कैसे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई। ये वो तस्वीरें हैं जहां देख रहे हैं आप, जूते चप्पल बिखरे हुए हैं, लोग इधर उधर, कुछ मीडिया कर्मी वहां रिपोर्ट करने की कोशिश करते हुए, कुछ लोग इधर उधर भागते हुए, और पुलिस जो सामने आया उसके पैर पर लाठियां बरसाते हुए, क्योंकि इस भीड़ को तोड़ने की, इस जमावड़े को और इस प्रदर्शनकारियों को वापस भेजने के लिए। और जैसे आप देख रहे हैं, जैसे ही पुलिस की लाठी पड़ती है, भीड़ एकदम उल्टा घूमती है, और जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ मच जाती है। कुछ लोग गिरे दिख रहे हैं, वहां सामान पलटा हुआ दिख रहा है, गाड़ियां पलटी हैं, और कुछ वहां वाहन भी पलटे हैं। और कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक गाड़ी को धक्का मारकर गिरा दिया गया, जब भीड़ इधर उधर भाग रही है। लेकिन जिस तरह से वहां भीड़ पहुंची है, हिंदू संगठनों के आह्वान पर जिस तरीके से वहां भीड़ पहुंची है, वो भीड़ इशारा करती है शायद कि पुलिस प्रशासन की तैयारी नहीं थी कि इस तरीके की भीड़ और इस संख्या में भीड़ वहां पहुंचेगी। प्रदर्शनकारी पहुंचेंगे अपनी आवाज उठाने के लिए उन व्हाट्सएप स्टेटस और पोस्ट के खिलाफ जो औरंगजेब की बड़ाई कर रहे थे, उस तानाशाह की बड़ाई कर रहे थे, जिसने कि सोमनाथ मंदिर से लेकर बाबा विश्वनाथ
के मंदिर तक को तोड़ डाला, मथुरा के मंदिर को, कृष्ण जन्मभूमि तक को तोड़ने की कोशिश की थी। उस व्यक्ति को लेकर के उसकी बड़ाई और उसके नाम का स्टेटस जैसे ही लगा, वो भी महाराष्ट्र में जहां छत्रपति शिवाजी महाराज के अलावा और किसी को नहीं गिना जाता, उस महाराष्ट्र में जब ऐसा किया गया तो हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन की का आह्वान दिया, विरोध का आह्वान दिया और जो सिट डाउन प्रोटेस्ट काफ़ी देर तक शांतिप्रिय था, शांतिपूर्ण था, लेकिन उस वक्त जितनी भीड़ आई वो भीड़ बेकाबू होने लगी और पुलिस को जबरन लाठी चार्ज करना पड़ा। और लाठी चार्ज करते ही आप देख रहे हैं वहाँ ट्रैफिक पुलिस से लेकर रायट पुलिस तक और फिर बैकअप पुलिस, देखिए सब हेलमेट पहनकर लाठियां लेकर और ताबड़तोड़ लाठियां बरसाती हुई पुलिस प्रशासन इस भीड़ को तोड़ने के लिए, तितर बितर करने के लिए, प्रदर्शनकारियों को वापस भेजने के लिए। और जैसे ही ये भीड़ घूमती है, भागने की कोशिश करती है, लाठियों से बचने की कोशिश करती है, वहां भगदड़ मच जाता है, गाड़ियां गिर जाती हैं, आसपास की दुकानों को थोड़ा नुकसान पहुंचा, देखिए कितनी सारी बाइक्स गिर गई, स्कूटर गिर गए हैं, धक्का मुक्की हो रही है, लग रहा है कुछ लोगों को चोटें भी लगी हैं। पुलिस के डंडे के साथ साथ भीड़ में फंसे जाने के बाद की वजह से कुछ लोग गिरते हुए दिख रहे हैं, संभलते हुए दिख रहे हैं, वो देखिए कुछ और गिरे, 4-5-10 लोग गिरे, एक दूसरे पर गिरे, घूमकर भागने की कोशिश करते हुए एक दूसरे पर गिरे, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से शायद स्टैम्पीड जैसा सिचुएशन हो, क्या लोग एक दूसरे के ऊपर चल गए हैं, क्या कुछ लोगों को चोट लगी है, ये अपडेट्स लेने की कोशिश करेंगे, दिवाकर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, हमारे रिपोर्टर से जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल ग्राउंड सिचुएशन क्या है। ये आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं आपके सामने, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं आपके सामने, जहाँ भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और लाठी चार्ज के दौरान हुआ नुकसान आप देख सकते हैं, लोगों को चोट लगी है, जूते बिखरे पड़े हैं, कुछ गाड़ियों को, आसपास की दुकानों को और वाहनों को भी वहां पर आप देखें तो नुकसान पहुंचा है। दिवाकर जुड़ रहे हैं, दिवाकर ये किन व्हाट्सएप स्टेटसेस को लेकर किन संगठनों ने प्रदर्शन का आह्वान किया था और जो शुरुआत में काफ़ी शांत प्रदर्शन था वो अचानक कैसे उग्र हो गया, पुलिस को लाठी चार्ज क्यों करना पड़ा? देखिए आनंद, पूरा मामला कल शुरू हुआ था जब दो मुस्लिम युवकों ने एक स्टेटस रखा था और इस स्टेटस में साफ तौर पर औरंगजेब की तस्वीर लगाई गई थी और उसपे लिखा गया था बाप तो बाप होता है। एक स्टेटस जो है पूरी तरह से वायरल हुआ और ऐसे समय में ये किया गया जब महाराष्ट्र में और खास तौर पर कोल्हापुर में शिव राज्याभिषेक यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का जो 2 जून से 6 जून के बीच राज्याभिषेक शुरू हुआ था उस दौरान ये स्टेटस रखा गया था, जिसके चलते स्थिति बिगड़ी। कल ही हिंदू संगठनों ने पुलिस के सामने, पुलिस स्टेशन जो है कोल्हापुर का, वहां पर प्रदर्शन किया था और मांग की थी कि जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और जब मामला बिगड़ते देख पुलिस ने दोनों जो दो युवक थे जिन्होंने स्टेटस रखा था उनको डिटेन किया, गिरफ्तारी नहीं दिखाई रात तक डिटेन किया, जिसके चलते जो है जो हिंदू संगठन है आज उन्होंने कोल्हापुर बंद का ऐलान किया था और इस बंद के दौरान उन्हें प्रदर्शन करना शुरू किया था। हालांकि पुलिस शुरुआत में उन्हें समझा बुझाकर हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे हिंदू संगठन के लोगों की संख्या बढ़ती गई और हजारों की संख्या हो गई तो वो उग्र हो गए। उग्र इसलिए हुए क्योंकि पुलिस अब तक उन दोनों आरोपियों को जिनको डिटेन किया है उनको गिरफ्तारी उन्होंने नहीं दिखाई है और अब तक कोई कार्रवाई आगे ऐसी नहीं की है, जिसके चलते ये हिंदू संगठन काफी उग्र हो गए और अलग अलग इलाकों में जाकर इस तरह से गाड़ियों को में तोड़फोड़ की और पत्थरबाजी अलग इलाकों में की गई, जिसके चलते परिस्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई और हालात समाज में द्वेष वैमनस्य फैलाने के लिए कानून बने हैं और कोई भी इस तरह के व्हाट्सएप करता है, स्टेटसेस करता है जिससे कि कहीं किसी समुदाय विशेष को ठेस पहुंचती है। गृह मंत्री जी लगातार सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में, मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है, ऐसा आह्वान भी मैं करता हूँ। और राज्य में सभी लोग शांति से रहे या राज्य में शांति रहे, अमन रहे, इसके लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। सर यहाँ पे मुंबई में एक 18 साल की युवती के साथ हॉस्टल में सर जिस तरह से मर्डर करके रेप किया गया, किस तरह से कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के सवाल उठ रहे हैं? ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो घटना हुई है वो दुर्दैवी घटना है, जिसमें पुलिस जांच कर रही है और संबंधित जो जिसके ऊपर शक है उसने भी सुसाइड किया है, पुलिस उसकी जांच कर रही है और इसके ऊपर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। मराठी ज्यादा घटना घटलेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे,
एका मुलीचा मृत्यू झालेला आहे. पोलीस तपास सुरू आहे आणि त्यामध्ये जे दोषी असतील त्याची चौकशी केली जाईल आणि कारवाई केली जाईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान कि कोल्हापुर में जो परिस्थिति है वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी और पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी जिन्होंने भी समुदाय विशेष को ठेस पहुंचाई है. लेकिन दिवाकर, सबसे बड़ी बात यह है, नियम कानून कहता है कि अरेस्ट कर देना चाहिए. इन युवकों को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो पोस्ट वायरल हुआ है वो ठेस पहुंचा रहा है. 350वां राज्याभिषेक की जयंती है छत्रपति शिवाजी महाराज की और जो पूरे महाराष्ट्र में इसको मनाया जा रहा है, खासकर कोल्हापुर में, उस वक्त इस तरीके का पोस्ट करना जानबूझकर ठेस पहुंचाना नहीं तो क्या है? तो डिटेंशन की जगह अरेस्ट क्यों नहीं कर रही पुलिस? देखिए, जाहिर तौर पर पुलिस पर सवाल तो जरूर है, क्योंकि जिस तरह से कोल्हापुर, खासतौर पर कोल्हापुर अगर माने तो छत्रपति शिवाजी महाराज को लोग भगवान मानते हैं, भगवान की तरह उनको पूजते हैं. और ऐसे में जब शिवाजी जयंती 350वीं जो वर्षगांठ उनकी मनाई जा रही थी, उस दौरान इस तरह का पोस्ट करना कहीं ना कहीं और फिर उस पोस्ट को करके वायरल करना, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं इंटेंशनली की गई हैं और इसमें पुलिस ने जांच में लापरवाही बरती और सबसे पहले आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दिखाई. हालांकि इसके पीछे कौन है, क्या वही दो मुस्लिम युवक हैं या इसके पीछे कराने वाले और लोग हैं, इस बारे में पुलिस के पास अब तक कोई जानकारी नहीं है. इसे यही वजह है कि जिस तरह से ये पुलिस परवाही थी, इसके चलते लोग उग्र हुए, क्योंकि कोई कार्रवाई होता ना देख वो उग्र हुए और अलग अलग इलाकों में जाकर इस तरह से तोड़फोड़ और इस तरह से जो है पत्थरबाजी को करने लगे और हालात ये बन गए कि जो पुलिस के हाथ से जो स्थिति है वो पूरी तरह से निकल गई और ऐसे में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. लाठीचार्ज करके फिलहाल भीड़ को तितर बितर तो कर दिया है पुलिस ने, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है. दिवाकर, अब से थोड़ी देर पहले यही न्यूज 18 पर राज्यसभा के MP धनंजय महादिक ने कहा कि ये इशारा इस ओर किया कि ये जानबूझकर भी किया जा सकता है. उनका कहना था कि महाराष्ट्र में एक किसी नेता ने इस पर इस ओर इशारा किया था कि कोल्हापुर में कुछ ना कुछ बवाल जरूर होगा और उन्होंने इस हद तक कह डाला कि ये शायद जानबूझकर किया गया हो. दिवाकर जी, जाहिर तौर पर, क्योंकि आनंद मैं आपको बताऊं, एक दिन पहले ही अहमदनगर में भी औरंगजेब को लेकर ही बवाल हुआ था. औरंगजेब की तस्वीरें AIM के एक जुलूस में जो है वो लहराई गई थी और इंटेंशनली उस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की थी. और अब कल जो है जिस तरह से कोल्हापुर में स्टेटस लगाया गया और स्टेटस जो है लगाने के बाद इस तरह उसे वायरल किया गया, तो जाहिर तौर पर जिस तरह से धनंजय मांडी के कह रहे हैं कि इंटेंशनली किया गया है और ये अगर धनंजय मांडी कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर पुलिस को जांच करने की जरूरत है. हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से जो देवेंद्र फडणवीस के पास है उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि इस मामले में जो लोग भी औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. औरंगजेब का समर्थन करने वालों को महाराष्ट्र में माफी नहीं मिलेगी, लेकिन लोगों से उन्होंने अपील की है कि लोग शांति बनाए रखें, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. लेकिन उस एरिया के इंचार्ज कौन पुलिस ऑफिसर हैं? क्योंकि ये संगठन, ये जो हिंदू संगठन और प्रदर्शनकारी थे, ये उग्र कब हुए? क्योंकि पहले जो तस्वीरें आई थी तो वहां तो वो बैठकर भाषण दिया जा रहा था और सिट डाउन शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था. क्या भीड़ का जमावड़ा अनकंट्रोलेबल हो गया? जितनी अपेक्षा की गई थी उससे कहीं अधिक क्या भीड़ वहां जमा हुई जिसकी वजह से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया? दिवाकर जी, बिल्कुल बिल्कुल आनंद, क्योंकि जिस तरह से कोल्हापुर के SP है महेंद्र पंडित, तो उनसे हमारी बातचीत जब सुबह हुई थी तो उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि स्थिति जो है शांतिपूर्ण है, हमारी प्रदर्शनकारियों से बात हुई है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे. लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती दिखी, जिसके चलते वहां पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, हालात ये बन गए कि पुलिस के हाथ से जो क्राउड था वो नियंत्रण नहीं हो सका और ऐसे में अलग अलग इलाकों में जाकर जो संवेदनशील इलाके हैं जहां पर पहले पुलिस की कोई तैनाती नहीं की गई थी वहां पर तोड़फोड़ की गई है और इसके अलावा पत्थरबाजी की गई है. इन हिंदू लाठीचार्ज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर बितर जरूर किया है. लेकिन हिंदू संगठन अब भी सड़कों पर जमे हुए हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं. उनकी साफ तौर पर मांग है कि जिन लोगों ने ये किया है कोल्हापुर जैसे जिले में जहां पर शिवाजी महाराज को जो है वो भगवान मानते हैं लोग, वहां भगवान की तरह पूछते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. हालांकि गृह मंत्रालय लगातार ये अपील कर रहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होती, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, वो चुप बैठने वाले नहीं. जो स्टेटस वायरल
वायरल हुआ है, क्या सिर्फ ये दो ही लोग थे जिन्होंने स्टेटस को वायरल किया है या फिर इसके पीछे और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर ये साजिश रची कि ये स्टेटस वायरल हुआ? दूसरी बात, क्या हिंदू संगठन को ने ये माना है कि इन संवेदनशील इलाकों में तोड़फोड़ उन्हीं के लोगों ने की है? दिवाकर, दिवाकर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रश्न यही बनता है कि क्या हिंदू संगठन के ही ये लोग थे जिन्होंने इन संवेदनशील इलाकों में जाकर घुस करके तोड़फोड़ करने की कोशिश की? जो प्रदर्शन और जो विरोध, जो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण होना था वो अचानक उग्र कैसे हो गया, कैसे इन इलाकों में घुस गया, क्या इन इलाकों में जाने की उनको परमिशन थी? हिंदू संगठन की सीधी मांग यही है कि जिन्होंने भी ये पोस्ट लगाया, जिन्होंने भी जानबूझकर समाज के अंदर वैमनस्य फैलाने की कोशिश की और फिर लोगों को बरगलाने की कोशिश की।